Om Shanti. Translation you're getting? कई बार भाई बहन प्रश्न पूछते हैं कि वर्तमान समय आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है. ऐसे तो बाबा ने इस बार कहा भी है कि बाप समान बनना है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा जो प्रैक्टिस चाहिए. तो मैंने कुछ समय पहले कहा कि देही अभिमानी बनने का अभ्यास करती हूँ, तो कहा 50 साल के बाद भी आपको यही अभ्यास करते हैं. तो ये तो आपने वही बात बताई जो आपसे हम कोई नई बात सुनाओ. तो मैंने कहा कि पता लगता है ना कि किस किस तरह से सूक्ष्म में देह अभिमान आता है, और देही अभिमानी अगर स्थिति है तो वही संपूर्ण स्थिति भी होगी. देही अभिमानी होंगे तो आज बाबा कह रहे हैं कि दैविक गुण भी धारण कर सकेंगे. तो कईयों को ऐसा लगता है जब हम कहते हैं ना कि सोल कॉन्शियसनेस में रहने की प्रैक्टिस करते हैं तभी तो बाप समान भी बनेंगे, तो उनको ऐसा लगता है जैसे ये ऑर्डिनरी पुरुषार्थ है. परंतु आज बाबा मुरली में सुना रही हैं कि जब देही अभिमानी बनते हैं परसेंटेज हैं, और जैसे जैसे बनते जाएंगे तो मालिकपन के संस्कार आएंगे. जो अपने को हमेशा हर बात में पहले तो स्वयं के ही ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री संस्कार हर तरह से जैसे एक मालिक है. बाबा ने कहा जब देह अभिमान आता है तो कंगाल बन जाते हैं. तो कंगाल का मतलब इंसॉल्वेंट है, कंगाल का मतलब कि भिखारी हैं, कंगाल मतलब कि खाली हो जाते हैं ना. तो कई बार कई कहते हैं कि मन खाली है, एम्प्टीनेस है. कई बार कहते हैं कोई भी बात के लिए. तो देही अभिमानी स्थिति का अगर हम कनेक्शन सॉल्वेंसी के साथ करें कि देही अभिमानी होंगे तो सॉल्वेंट होंगे, सरताज होंगे. तो अगर सरताज होंगे तो संपन्न होंगे ना. इसका मतलब कि कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी. तो बाबा का कोई भी बच्चा अगर ये कहे कि ये नहीं हो रहा है, हमारे पास ये नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है, तो इसको क्या कहेंगे? ये मालिकपन के संस्कार नहीं हुए ना. नहीं तो प्रकृति है हर तरह से, चाहे व्यक्तिगत अपनी जीवन की संपन्नता, चाहे जहाँ भी बाबा जिस प्रकार की सेवा के निमित्त बनाए उसमें सफलता, और हर प्रकार से यज्ञ में हम निमित्त बने, एक ऐसा उदाहरण बने जिसमें एक संपन्नता हो. तो देही अभिमानी स्थिति को अगर हम देखें तो देही अभिमानी है तो 5 विकार, क्योंकि 5 विकार देह अभिमान से ही शुरू होते हैं ना. तो आज बाबा कई बातें सुना रहे हैं कि देही अभिमानी जब हैं तो विकार तो जीतते ही हैं, परंतु सरताज बनते हैं, मालिक बनते हैं. ये भी अगर जैसे कल बैठे थे, कई कंट्रीज से मिलते हैं, तो किसी ने कहा बस हमको एक यही पवित्र संकल्प है कि एक ऑडिटोरियम चाहिए और 2 मकान चाहिए. तो मैंने बोला, कहा मोहिनी बहन बस आप ये पवित्र. मैंने कहा नहीं, मैं तो ये इसको पवित्र संकल्प नहीं मानती हूँ. पवित्र संकल्प तो ये है कि बाबा इतनी सेवा हो, इतनी सेवा हो. हाँ तो मकान तो क्या बड़ी बात है, आपको एक ऑडिटोरियम तो क्या कितने ऑडिटोरियम ऑफर हो जाएंगे. लेकिन अगर हम इस तरह से अपनी पवित्र संकल्प को एक नहीं, वो तो ड्रामा बाबा समय अनुसार जिस प्रकार की जो आवश्यकता होती है तो उस समय पर, लेकिन अपनी प्योरिटी को, अपने प्योर संकल्प को हम ऊंच कार्य के लिए लगाएं ना. लेकिन ये भी जो अंदर में बड़ा सूक्ष्म में देही अभिमानी से कैसे हम मालिक बनते हैं, सरताज बनते हैं. तो मालिक को तो क्या होता है, संकल्प भी नहीं करना पड़ता, सब हाजिर हो जाता है. आजकल तो ऐसा सबको अनुभव होना चाहिए. तो इसलिए देही अभिमानी एफर्ट्स पुरुषार्थ कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं है, पर वही हमको संपन्न भी बनाता है. तो आज जब मुरली सुनेंगे आप, थोड़ा बताना फ्रेंच फ्रीक्वेंसी 96. अच्छा, फ्रेंच फ्रीक्वेंसी 96 इज सम चेंज इनटू इट. ओके, फ्रेंच, वेयर इज फ्रेंच? You getting it now? 96. Okay or no? Can you show your hands the French language?
ओके तो इसलिए मुरली को अगर सुने ना, नहीं तो क्या होता है जब ऐसी पॉइंट्स होती है ना, तो फिर कहते हैं ये तो बाबा रोज ही कहते हैं, रोज कहने के बाद भी अगर हम लोगों को अभी तक इतनी मार्जिन है तो नहीं कहेंगे। तो ये कहने की बात नहीं है ना, ये समझने की बात है, सिर्फ समझने की बात नहीं है परंतु अभ्यास की बात है। अभ्यास के बाद स्थिति होगी और स्थिति के बाद देखो तो सब कुछ अपने आप ही, संपन्नता तो स्थिति से कोई दूर नहीं है ना, स्थिति संपन्न है तो हर बात में संपन्नता और सफलता तो कदम कदम पर हर एक को अनुभव होगी। तो संगम के अंत से पहले हर एक को ये तो फीलिंग आनी ही चाहिए कि हर बात में हम संपन्न है, हर बात में हम संपन्न है, कोई भी प्रकार से अपने में कोई भी कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। दादी जानकी वाले क्वेश्चन मिल रही है मेरे। अच्छा ये थोड़ा स्लिप हो रहा है ना वर्ड फ्लो। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसलिए आत्म अभिमानी भाव। तो गहराई में जाओ इसके, बहुत अनुभव होंगे। प्रश्न है कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है, कौन सा अभ्यास? अंतर्मुखता। और कोई कौन सा अभ्यास? बहुत सिंपल बात बताई है। कई बार क्या होता है कि बाबा का उत्तर बहुत सिंपल होता है, तो जब सिंपल होता है तो हमको उसकी गहराई में जाना पड़ता है। कई बार आंसर ही गहराई का होता है और कई बार बहुत सिंपल होता है तो सोचना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है कि बाबा ने ये जो बात कही तो वहाँ विचार सागर मंथन चलता है। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, मुरली में उत्तर है, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है कि कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ। क्योंकि कई ये भी पूछते हैं कि देही अभिमानी और अशरीरी स्थिति में क्या फर्क है, नहीं तो वो भी बाबा आज जैसे कंट्रास्ट पता लगता है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ, आत्मा भाई भाई है ये अभ्यास करते रहो, यही पावन बनने का सहज साधन भी है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भाव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत बेसमझ हो गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और साथ साथ दैवी कर्म भी सिखलाए थे, तुम देवी देवता धर्म में आए थे और फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कम होते होते कई कारण पूछते हैं क्या हुआ, पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है, क्योंकि ये है तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, द्वापर के शुरू में, द्वापर के अंत में और अब के में। अब हर साल क्या हर महीने फर्क पता लग रहा है कि कैसे तमो प्रधान है, तो हर तरह से क्या कंगाल होते जाते हैं। तो ये रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो,
रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है, अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहते हैं आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में ही है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। तो राम राज्य होता है सतयुग में और रावण राज्य है कलयुग में। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है कि अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण क्या करते हैं। कैसे पता चले कि हम समझ रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, और कैसे पता चले पूरा नहीं समझ रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। फिर क्या होता है, कैसे पता चले कि लकीर लग रही है। फिर रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। देही अभिमानी है तो दैवी गुण होंगे, नहीं तो माया के अवगुण चटक पड़ते हैं। दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि तुम वो ही देवताएं थे। कल अच्छा लगा ना शाम को सबको कल्चरल प्रोग्राम, उसमें भी स्वर्ग का कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। लग रहा था कि हम देवी देवताएं हैं, लग रहा था कि सिंहासन पर बैठे हैं, नहीं? क्या फीलिंग आ रही थी। मैं तो वहाँ जाके पीछे उस कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा मैं भी ज़रा अनुभव कर लूँ अपने को लक्ष्मी नारायण के रूप में। इधर साइड में रखी थी तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी कुर्सी है, बहुत आराम से बैठे। हाँ, ये तो देखो संगम युग पर इसी तरह के संस्कार इमर्श करने हैं ना। तुमने ही 84 जन्म भोगे, तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण का राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमोप्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहाँ तो एक ही धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है, क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं। ये भी एक पॉइंट है देही अभिमानी बनने में। जब भी कोई कहते हैं थकावट है या शरीर बनने का, क्योंकि आत्म अभिमानी, तो बाबा कहते हैं ये याद रखो हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान और आत्म अभिमानी में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बनते हैं। देह अभिमान होने से फिर कंगाल बन जाते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं, कहते भी हैं, परंतु जैसे सुनते भी हैं कहते भी हैं परंतु, आज बाबा ने कैसे मुरली शुरू की, समझते नहीं हैं। आज बाबा बार बार जैसे मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ सुना नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, परंतु समझते नहीं। शिव बाबा आते हैं, किस लिए आते हैं, दैवी बुद्धि बनाने के लिए। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कब सुना कि इनों को राजाई किसने दी। क्योंकि ऊपर से आए तो ऐसा समझते हैं भगवान के अवतार हैं, परंतु राजाई जिसको मिलती है तो कुछ कर्म करके मिली होगी ना। किसने राजाई दी, उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया। कर्मों की बात है ना, मनुष्य आश्रित कर्म करते हैं
तो कर्म विकर्म बन जाता है। सत्युग में कर्म होता है, क्या होता है सत्युग में कर्म? अकर्म होता है, और संगम युग पे कर्म सुकर्म होता है। हाँ, सिर्फ संगम युग पर ही कर्म सुकर्म होता है, वहाँ कर्मों का खाता नहीं है। क्यों अकर्मी है, चाहे कर्म करते भी हैं, कोई खाता नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर खाता जमा हो रहा है। तो सत्युग में बेशक माइनस तो होता है, लेकिन वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं है। कितनी अच्छी बात है सोचने की कि वहाँ खाता नहीं है, जो अकाउंट है चलो माइनस हो रहा है, पर खाता फिर शुरू होता है द्वापर युग से। तो बाबा समझाते हैं, और न समझने के कारण फिर बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं पर न समझने के कारण बहुत विघ्न डालते हैं, कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव तो निराकार अकेला दिखाते हैं, और शंकर को तो पार्वती दिखाते हैं, और दोनों की एक्टिविटी भी बिल्कुल अलग है। तो शिव मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को ऐसे एक कैसे कह सकते हैं, ये जानते हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है, तो शिव शंकर को एक कैसे कह सकते हैं। यह जानते हैं कि जिनको राम राज्य में आना नहीं है उसकी क्या निशानी है। प्रश्न पूछते, वो समझेंगे नहीं, हम समझाएंगे पर वो समझेंगे नहीं। आश्री संप्रदाय वाले गालियाँ देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें पांच विकार हैं, देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। कई होते हैं, कोई बात अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा असंतुष्ट होते हैं, फिर समझते हैं कि चलो हम जो गलत हो रहा है उसके बारे में प्रचार करें, कुछ भी करें। मैं उनको कहती हूँ, हमको याद है दिल्ली में आर्य समाज प्रेसिडेंट थे, उन बहुत विरोध में थे। तो एक बार मेरी ऐसे ही उनके ऐसी सिचुएशन में मिला, मैंने कहा आप हमारे बारे में इतना छपवाते हैं, इससे तो आप आपके ज्ञान के बारे में छपाओ ना, तो आपका धन भी सफल हो। तो कई जो हैं आजकल पूछो भाई आपका माइंड वो सब कहाँ जा रहा है, ब्रह्मा कुमारियों के विरोध में आप इतना धन खर्च रहे हो, ये कर रहे हो, कोई अच्छी बात सुनाओ ना, कुछ अपना अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास राइट बात है, तो आप उसको प्रमोट करो ना। तो कई बार ये जो आश्री जो बाबा कहता है ना, हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आश्री संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें पांच विकार हैं, देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। उन्हों का कितना ऊंच पद है, अब तुम समझते हो कि हम कितने विकारी थे, विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, और फिर वो सन्यास करते हैं। सत्युग में ये सब बातें होती नहीं, सन्यासी सत्युग को समझते भी नहीं है। सन्यासी संस्कार वाले अभी भी कहते हैं ये क्यों बात करते हो, क्यों आप लोग महलों की बातें करते हो। इस तरह से वो अभी भी उनको संस्कार नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं कि कृष्ण हाजरा हजूर है, राधे भी हाजरा हजूर है, अनेक मत मतांतर अनेक धर्म हैं, आधा कल्प देवी मत चलती है, तो अब तुमको वह मत मिल रही है, ईश्वरी मत है, फिर हमारी हो जाती है देवी मत। तो बाबा कहते हैं तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हैं, वह दोनों डायनेस्टी, और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे, क्योंकि इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, इनकी कोई राजाई तो नहीं होती ना। तो यह भी तुम समझते हो, और तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, और कोई फिर सुधर कोई तो सुधरते ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत होगा, क्रोध का भूत है,
पर सत्युग में कोई भी भूत नहीं होता है, तो इन भूतों का ज़्यादा ध्यान रखना है। इन भूतों का ध्यान रखेंगे तो दूसरे भूत नहीं आएंगे, नहीं तो फिर दूसरे भी लग जाते हैं। तो सत्युग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं, दुख देने वाले ये भूत ही हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है, तो इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है, बाबा कहते रहते हैं भाई बहन समझो, तो कभी भी क्रिमिनल दृष्टि न जाए। हर बात में किस बात की आवश्यकता है, क्या क्या ज़रूरत है, हर कदम पर किस बात की आवश्यकता है, अटेंशन की। और बाबा कहते हैं हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत हार जाते हैं, चेहरा देखते हैं उनके तो ऐसा लगता है कि क्या हुआ, यहाँ है मधुबन में सोच रहे हैं वहाँ जाके क्या होगा, कहीं यहाँ से ले लो, वहाँ जाएंगे तो चेंज होगा ना, फिर अगर यहीं नहीं चेंज होंगे तो फिर जाके तो नेचुरली ख्याल रहता है वहाँ जाएंगे तो फिर सेम होगा। सेम क्यों होगा, कोई दिन सेम होता है क्या, लेकिन खुद में वो चेंज चाहिए होती है। तो हर बात में हिम्मत चाहिए। कई कहते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है, हमारे पास बहुत सारे आईटी के कुमार आते हैं, बहुत सारे हैं, तो आते हैं कई नौकरी के कारण, कई बंधन होता है तो सोचते हैं बाहर जॉब मिले। तो एक भाई आईटी वाला था, उसकी माँ ने बोला कि मैं बस अभी शरीर छोड़ दूँगी क्योंकि तुम शादी नहीं कर रहे ये वो, तो उसने कहा ज़रा ठहर के छोड़ना क्योंकि अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो ज़रा बता के छोड़ना मैं आ भी सकूँ ना आपके सारे जो मुझे क्रियाक्रम करना है। तो मैंने बोला तुमने सच मुझे ऐसे बोला, कहा मैंने बोला अभी जॉब से मैं नहीं आ सकता हूँ, तो अभी नहीं शरीर छोड़ो, थोड़ा रुक जाओ, हाँ फिर हम प्लान करेंगे ठीक से। लेकिन वो भाई थोड़ा बोलता भी ना जैसे जो हंसी मजाक में बोलता है, तो उनको पता होगा उसकी फैमिली को कि हंसी मजाक करता ही है ये बचपन से। तो फिर वो अभी आया हूँ माँ बाप से मिलने के लिए, तो उसकी माँ ने बोला उसकी माँ भी मतलब जैसे माँ संस्कार ऐसे थे, तो मतलब कहने का कि कुछ अच्छा ही प्रभाव पड़ा, मतलब डर जाओ ना हर बात में, बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर वो लोग कहने लगे नहीं हम भी ऐसे ही, एक और कन्या डॉक्टर आई, बहुत बंधन में थी, बेंगलोर की थी, तो वो तो आते ही सेंटर पे रही, फिर बता दिया अपने माँ बाप को, तो उन एक मिनट गुस्सा होते हैं, बाद में फिर कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत ठीक है ये है। तो डरने की बात नहीं है, अगर आपकी जीवन है तो आपकी यू ना आप चॉइस तो है ना आपको, तो इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है, तो तुम बच्चे बहुत पद्म भाग्यशाली बन रहे हो, यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं। ये दो तीन दिन में बहुत बैंक्स गई हैं, तो एक बैंक गई है एक देश की करेबियन में, हेमलता बहन बता रही थी, पर जितना भी कुछ टिकट्स ली, बहुत सारी टिकट्स ली उन्होंने, तो सब टिकट्स में यूज़ कर लिया, सिर्फ $500 रहते थे, और दूसरे दिन बैंक चली गई। तो रियली आजकल कुछ पता नहीं लगता है, और कई बड़े देशों में तो बेल आउट करती है गवर्नमेंट, 40% 60% अपना नेशनलाइज कर देते, लेकिन आजकल तो रियली कोई भरोसा ही नहीं है। रोज़ मेरे को कोई ना कोई आके न्यूज़ देता है कि हमारे देश में ये बैंक गई, ये गई, हो गई। तो इसलिए बाबा तो कहते ही हैं ना कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख कर फिर फेल हो जाते हैं। तो बाप हर बात में समझाते हैं परंतु नहीं करते, तो समझा जाता है, पहले बाबा ने कहा नहीं करते क्योंकि समझते नहीं, अभी बाबा कहते हैं नहीं करते तो समझा जाता है, पूरा योग नहीं है। तो जितना सुन के समझना ज़रूरी है उतना योग में रह के समझना ज़रूरी है, पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है,
इस योग से तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई में नंबरवार तुम ऊंच पद पाते हो, भाई बहन के संबंध में बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाबा इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं, शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भाव देही अभिमानी भाव, अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं, तुमको भी अब पुराना कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है। तो इस समय आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान है, तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में नहीं जा सकती, पवित्र हो तब जाए, तो अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकता, वहाँ जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। ये तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है, यादव कौरव पांडव सब है लेकिन ब्राह्मणों का नाम नहीं है। यह तो समझते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। क्यों करता हूँ, किस लिए प्रवेश करता है बाबा? बाबा कहते हैं जरूर एडॉप्शन चाहिए ना, एडॉप्ट करने के लिए मैं आता हूँ, नहीं तो ऊपर से भी रच सकते हैं, पर आता हूँ एडॉप्ट करता हूँ ना। यह ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण है विकारी और तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं, यह नाम रूप देखने में बहुतों को विकल्प आते हैं, भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं वहाँ हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने तो फिर ये खराब काम कर लिया, क्योंकि फैमिलिटी के संस्कार होते हैं, बैठते हैं खाते हैं टाइम स्पेंड करते हैं तो उसमें फिर अट्रैक्शन हो जाती है। बाबा तो हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने ये खराब काम किया, उसकी फिर बड़ी कड़ी सज़ा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो जेल में डाला जाता है। भारत पवित्र था जो मैंने स्थापन किया, उसका नाम है शिवालय। ये ज्ञान भी कोई में नहीं है, बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। सत्युग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ पर क्या नहीं करना पड़ेगा सत्युग में? हाँ, भोजन भी करेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन हाँ क्या नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे वहाँ कहते हैं सत्युग में पुरुषार्थ नहीं करते, यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है ना। तो गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या, वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं हैं, और तुम्हारे में भी क्या है नंबरवार हैं, कोई तो खुद ही नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे, इसलिए बाबा उनको कहीं भेजता नहीं है। सबकी इच्छा होती है हमको निमंत्रण मिले, जाएं उधर जाएं, पर समझा सकें तो बाबा भी भेजे। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे, देवता ही रहते हैं सत्युग और त्रेता में, यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं, काम विकार बिगड़ रह नहीं सकते हैं, यह विकार
कोई विकार को ऐसे समझते हैं जैसे माई बाप का वर्षा है। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का यहाँ वर्षा मिलता है, वहाँ पर विकार की कोई बात नहीं है। लोग आते हैं यहाँ बहुत शांति का अनुभव होता है, ये होता है, उसका कारण क्या है? पवित्रता है ना, पवित्रता से ही ऐसा वातावरण बना हुआ है जहाँ जो आए उसको इतना अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं ना, वो उनको नहीं पता चलता है। तो कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है, शांति का वातावरण पवित्रता सुख शांति है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पवित्रता का वर्षा मिलता है, वहाँ विकार की बात नहीं। भगत लोग कहते हैं कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाबा कितना अच्छी रीत समझाते हैं, तरस भी पड़ता है बाबा को, रहम दिल है ना बाबा, तो ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। आज हर बात पे समझदार बच्चे हैं। भपका भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है उसमें क्या होगी, क्या होता है ज्ञान योग से? जिनमें ज्ञान योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है और अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता, ये तो जानते हो। इस समय सब आश्रित संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है, वह है मूल वतन में, शिव है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में, तो एक जैसे कैसे कहेंगे? यह तो तमोप्रदान दुनिया है, रावण दुश्मन है, आश्रय संप्रदाय है जो आप समान बना देता है। संघ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, संग लग जाता है कोई बात का, कोई देख के किसी भी तरह से टेंशन रखना पड़ता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं, वहाँ रावण नहीं होता, आधा कल्प उनको जलाते हैं, राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते हैं? यह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बेशक भजन बहुत गाते थे, पवित्रता का भी पालन किया, लेकिन आत्म अभिमानी बनना एक बाबा ही सिखाते। सारे वर्ल्ड में कहीं भी कितना भी कोई भी आत्म अभिमानी, आत्मा का ज्ञान नहीं है। बाबा संगम पर कहते हैं बच्चों को आत्म अभिमानी भव, तो कितनी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है ना, जो बाबा बार बार रिपीट करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह है उत्तम बनने का युग, बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं। कभी बाबा ने जोर से बोल के कभी भी नहीं, बाबा हमेशा बहुत प्रेम से समझाते हैं। बार बार कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए और कहना चाहिए, बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं, आपकी मत बिगर हम और किसी की मत पर भी नहीं चलेंगे। कितने लोग ओपिनियन देंगे, राय देंगे, परंतु हमको हमेशा नहीं, बाबा की मत क्या है। किसी भी बात में प्रभावित होना, पता है कि तमो प्रधान है, चाहे बहुत बुद्धिमान है, परंतु उनकी आप अकाउंटेंट से जाके राय लो, वो जो राय देगा फिर बाबा की श्रीमत है, कंट्रास्ट में पता लगता है। आजकल लोग सब ऐसे ही करते हैं, तो कोई भी बात से बाबा कहते हैं नहीं, अपनी मत, आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारिये तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी
अच्छी अच्छी बातें बाबा रोज सुनाते हैं, समझाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं और तुम्हारे कैरेक्टर सुधारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरा, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुण से संपन्न बनना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों की स्मृति में इमर्ज रख, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भाव, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भाव, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियाँ हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनो, संपन्नता अचल बनाती है, संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वह सदा राजी और सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते हैं कि पाना था वो पा लिया। खुशी में रहते हैं, गीत गाते हैं, जो पाना था सो पा लिया। आज का स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे पास कई भारतवासी भाई बहन इमॉर्टलिटी बुक खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, पर हमारे पास बहुत लिमिटेड संख्या है इस समय पर,
तो इसलिए डबल विदेशी भाई बहन सब दूर से आए हैं और उनको कई बार ले जाने में इसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो शिपमेंट मंगाई है वो विदेश के भाई बहनों के लिए खास आई है। और दूसरा, जब ड्राफ्ट बना था, दादी जानकी ने किताब 3 बार पढ़ी है, तो पहली बार उसने ये कमेंट दिया कि हर ब्राह्मण को विदेश में कोर्स कराने के लिए ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक एक लेसन जो है वो किस तरह से बाबा समझाते हैं और कैसी कैसी पॉइंट्स जिसमें हर धर्म वाले को समझा सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिर्फ बहुत एब्स्ट्रैक्ट में सुनाते हैं ना, पर सब सुनाएं भी, तो इसलिए डबल विदेशियों के लिए लाएं। फिर दादी को बहुत है कि हर देश की जो भी लाइब्रेरीज हैं, तो कहते हैं कि अगर 3 लोग रिक्वेस्ट करें एक लाइब्रेरी में जाके, तो वो लाइब्रेरी वो किताब खरीदती है। तो लाइब्रेरीज़ के लिए भी दादी जानकी का बहुत विचार था। कल भी वो यही कह रही थी कि किस तरह से सारे विश्व में, तो ये नहीं कि ये सिर्फ आपकी फैमिली के लिए, संपर्क वालों के लिए, लेकिन खुद के लिए भी अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे आपको कई तरह की स्पष्टीकरण भी होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा पता चला कल कि कई भाई बहन भारतवर्षवासी भी जाते हैं, पर वो फिर हम लोग बाद में कुछ अरेंज करेंगे, लेकिन अभी जो है वो ये किताबें डबल विदेशी भाई बहनों के लिए ही हैं। हम लोग अप्रैल तक देंगे ना, अप्रैल तक देंगे। और क्या है कि पार्टीज है ना, तो दो दो चार चार ले जाना इजी रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने शिपमेंट ही सीधा यहाँ मंगाई थी इस हिसाब से। और जो बाकी शिपमेंट है वो सारी पीस विलेज में है और कुछ लंदन और ऑस्ट्रेलिया की पब्लिशिंग हाउस में भी है, तो वो लिमिटेड संख्या है। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से सेंटर्स को अगर चाहिए, तो आपको मालूम है सेंटर्स के इंचार्ज जब लेते हैं तो उसका प्राइस अलग होता है, इंडिविजुअली लेते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ी कल इंक्वायरी हो रही थी और जूलिया और रीटा कर रहे थे, वो चले गए हैं, अभी नए लोग हैं तो ये प्रश्न पूछते हैं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही इसके बारे में बताऊं। ओम शांति।